पूर्व केंद्रीय मंत्री सोमपाल शास्त्री आज शामली में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। समारोह के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, माननीय मंत्री जी, आप देश के कृषि मंत्री भी रहे हैं जी, और पिछले 10 माह से अधिक समय से देश की राजधानी दिल्ली में देश का किसान आंदोलन कर रहा है तीन कृषि कानूनों को लेकर। ये तीन कृषि कानून किसानों के हित में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसका क्या कारण है? कारण ये है कि सरकार में सत्ता ने आने से पहले इस दल ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं सैकड़ों जनसभाओं में किसानों के उन्नति के जो वायदे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। गिनती करा देता हूँ। पहला कहा कि स्वामीनाथन आयोग की वो रिपोर्ट हम लागू करेंगे जिसमें C2 लागत के ऊपर 50% जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाएंगे। जब एक वर्ष तक नहीं किया तो 2015 में कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय में लोक हित याचिका लेकर चले गए, उसमें इन्होंने शपथ पत्र दाखिल कर दिया कि वर्तमान संसाधनों में ये संभव नहीं है, तो फिर वायदा क्यों किया था? दूसरी बात, सन 18 आता है, 19 का चुनाव निकट है, तो आपने उठाकर कह दिया, दावा कर दिया कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी, तो वो सरासर झूठ बोला, क्योंकि जो दाम उन्होंने घोषित किए थे वो A2 प्लस FL लेवल यानी जो पेड आउट कॉस्ट और फैमिली लेबर है उसके ऊपर 50% जोड़कर किया था, जो पहले से 15 वर्ष से होता आ रहा था, कोई नई बात नहीं की। C2 को दबा दिया। तीसरी बात, 2016 में ये कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो हम जैसे जो लोग थे उन्होंने पूछा कब तक करोगे? 2022 तक। तो आज आप 21 के अक्टूबर में हैं, 22 आने में 2 महीना बाकी है। पिछले 5 वर्ष के जो आंकड़े निकले हैं 18-19 तक, 13-14 से जो आखिरी काल था UPA सरकार का, उससे अब तक किसानों की रियल इनकम 35-42% घटी है बजाय बढ़ने के। एक तरफ आप दाम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ढोल पीट कर कहते थे कि 30 में डीजल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आज कहाँ है? दिल्ली में 90 रुपये, यहाँ तो और ज़्यादा होगा। पेट्रोल 101 रुपया, गैस का सिलेंडर 400 कुछ रुपये था, अब 900 के करीब पहुँच गया है, और जितनी चीज़ें, ड्राइविंग लाइसेंस जब पहली बार मैंने 2015 में 20 में रिन्यू कराया, 18 में, तो 3 साल का मेरा रिन्यू हुआ था 600 रुपये में, परसों मैंने कराया 6,300 रुपया। तो एक नहीं सैकड़ों ऐसी आइटम है। इधर शपथ ग्रहण समारोह 14 दिन में भुगतान, और वो कोई एहसान नहीं है। शुगर केन परचेज एक्ट में ये प्रावधान है कानून का, सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि उसका पालन करे, उसको लागू करे, तो वो नहीं दिया। उस समय 8,000 करोड़ का बकाया था किसान का, 18 में वो 10,000 करोड़ हो गया, 19 में 13,000 करोड़ हो गया, 20 में 19,000 करोड़ हो गया, इस वर्तमान वर्ष में भी 13-14,000 करोड़ तक पहुंचा था, अभी भी कल परसों 5,600 करोड़ था। अब आकर उसको बढ़ाया, केंद्र सरकार की जो FRP है वो 290 है, 10% रिकवरी के ऊपर, अगर उसमें 0.1% बढ़ता है तो उसका 2.90 रुपये यानी 1% बढ़ने से 29 रुपया बढ़ता है, तो UP में 13% तक रिकवरी गई है, तो अगर 29 * 87 और 290 जोड़ो तो 377, तो वही भाव बैठता है, और अगर इन्फ्लेशन का कंपोनेंट जोड़ो तो 400 रुपये में भी खर्च नहीं निकलता। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि 1200 रुपये घर का बिजली का बिल, 1200 घेर का बिजली का बिल, 2400 ट्यूबवेल का न्यूनतम, 900 रुपये का सिलेंडर, उन्हें लेना ले जाना, बच्चों की फीस, तो 5-6 हज़ार रुपये महीना तो किसान की का खर्च बंधा हुआ है। आज पुराना किसान नहीं है कि घर में ही दाल कर लेता था, सब्जी कर लेता था, दूध कर लेता था, और उसके गन्ने का भाव 3 बोगी होता है 1 बीघा में, तो अगर आप इसको ये जो अभी रेट दे रहे थे 325, उससे अगर जरब करें भी 16 क्विंटल को तो 5,000 के करीब हुआ, तो अगर किसी के पास 1 एकड़ है तो 16,000 रुपये को 5 में जरब कर दीजिए, 80,000 का कुल हुआ भाव, 2 एकड़ वाले का 1,60,000 हुआ, तो कैसे किसान खर्च चलाएगा? तो इसलिए मैंने आपको तफसील से बात बताई कि आप ये कह रहे हैं किसान कानून हित में है कि नहीं है,
तो ये बात उनकी नीयत से पता लगती है, इनकी नीयत है इसको कॉरपोरेट सेक्टर को सौंपने की, सारे किसान को मजदूर और दास बनाने की, उनको सबसर्वियंट बनाने की। जो सिचुएशन असेसमेंट नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का निकला, उसने आंकड़े निकाले, तो इन सब के बाद आपको क्या प्रमाण चाहिए सरकार की? आप क्या ये मानते हैं कि इस सरकार के पास अलादीन का कोई ऐसा चिराग नहीं जो 2022 में किसान की आय दोगुनी कर सके? इस सरकार के नहीं, किसी भी सरकार के पास नहीं हो सकता। परंतु सवाल ये नहीं है कि अलादीन का, मैं भी नहीं एक साल में कर पाऊंगा, 6 महीने में। परंतु सवाल ये है, आपने नीयत की बात पूछी कि आप क्यों नहीं मानते कि ये हित में है, तो सरकार की दृष्टि, उसका विचार, उसकी नीयत किसान के विपरीत है, इसलिए अविश्वास की बात। धन्यवाद। इसी तरीके से जहां सरकार 2022 में किसान की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, वहीं उन्होंने दावा किया कि ये भाजपा सरकार ही, कोई भी सरकार हो, वो किसी भी कीमत पर किसान की आय दोगुनी नहीं कर सकती। जनवाणी न्यूज़ के लिए कैमरामैन दिनेश गहलोत के साथ राजपाल पारवा, शामली।